भाइयों मेरे दोस्तों, कैसे हो? आपका भाई आप ही के चैनल पे आ गया। आज की जो वीडियो रहने वाली है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। अगर आप लोग बिगनर्स हो और आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जब हाई टारगेट मिल जाता है आपको डर लगा रहता है कि मैं टारगेट क्रॉस कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्या मुझे बॉलिंग कैसे वो प्लेयर मिलेगा नहीं मिलेगा, बॉलर या कैच आउट हो जाएगा, ये चीज़ों का डर आता रहता है, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं। जब आपका भाई बैठा आपको कोई दिक्कत नहीं होने देगा। तो आपके पास मेरे पास जो यहाँ पे बॉलर है भास्कर राजेश जेम्स है। मैं जो स्टार्टिंग कर रहा हूँ राजेश के साथ करूँगा, स्काई ब्लू कलर का इंडिकेटर लूँगा। उससे पहले चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ और एक लाइक ठोक दो दोस्तों। चाहे लाइक पर बैट देके मारो, बॉल देके मारो, बट लाइक हो जाना चाहिए दोस्तों। तो पहली बॉल इससे मिस हो गई, काफ़ी अच्छी गुगली हुई थी, तो पहली बॉल यहाँ पे मिस हो गई। देखिएगा अब दूसरी बॉल में क्या होने वाला है, दूसरी बॉल पर क्या बाउंड्री आ पाएगी या वो भी मिस हो जाएगी। तो यहाँ पर राजेश बॉलर है, यहाँ पर मैंने जो चॉइस कर रखा है, मैं आपको टारगेट के बारे में बताऊँगा कि आप हाई टारगेट को कैसे फेस करें बिगनर्स लोग। स्टार्टिंग में मैंने वो टॉपिक बताया था। तो यहाँ पर तीसरी बॉल देखेंगे क्या तीसरी बॉल पे आउट होगा। बहुत ज़्यादा सस्पेंस मैच चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने स्लो मीडियम बॉल रखी है, क्या ये बॉल वाइड? तो वाइड होगी दोस्तों, और ये प्लेयर काफ़ी समझदार था, मैंने इसको अपने जाल में फंसाया था। अगर ये उस साइड में खेल देता तो ये कैच आउट होने के चांसेस रहते। प्लेयर भी काफ़ी थोड़ा समझदारी से यहाँ पर काम चला रहा है। यहाँ पर मैंने रखा राजेश के साथ ही कंटिन्यू करूँगा, बट जो इंडिकेटर लिया स्काई ब्लू कलर का लिया। यहाँ पे अच्छी गुगली हुई, बट इसने इस बॉल पे भी उड़ा के लगा दिया। तो ऐसे ही प्लेयर आपको मिलते होंगे जब आप मैच खेलने जा रहे होते होंगे, आप हर बॉल ट्राई करते होंगे, लेकिन कुछ प्लेयर थोड़े वैसे होते हैं जो आपको परेशान करते हैं। तो यहाँ पर आपको परेशान होने वाली बात नहीं है, कहीं बार पता है बॉल भी चेंज करके देखा करो। जैसे कि मैंने यहाँ पर लीजर्ड बॉल ली है, आपको आराम से बॉल ये जो ये मैंने राउंड द विकेट गया, अब मैं राउंड द विकेट से खेल रहा हूँ और लीजर्ड बॉल के साथ शुरुआत रखूँगा। क्या इस पे आएगा? इस पे फाइनली फोर आया, सिक्स नहीं आया, बट मेरे लिए तो रन काफ़ी ज़्यादा होते जा रहे हैं ना। 17 रन हो चुके हैं, लास्ट की दो बॉलें बची हुई है इस ओवर की। तो देखेंगे इस ओवर में कौन जीतेगा। ओवर द विकेट में आया हूँ, यहाँ पर देख तो स्लो बॉल रखूँ या फास्ट बॉल रखूँ, तो यहाँ पर मैंने स्लो बॉल रखी है। देख तो इस पर शॉट आएगा नहीं आएगा स्लो बॉल के साथ। तो यार इसने स्लो बॉल पर भी उठा के उड़ा दिया, 23 रन यहाँ पे बोर्ड पर लग चुके हैं। 5 बॉल 23 रन, आखिरी की गेंद, आखिरी की बॉल देखने वाली होगी क्या इस पे रन आएगा या इस पे भी सीधा बाउंड्री आ जाएगी। तो हाई पेस रखी है मैंने, फुल स्काई ब्लू कलर का इंडिकेटर रखते हुए, देखते हैं इस पे आएगा रन। तो इस पर भी रन आया, लेकिन बाउंड्री मिले ही मिलेगी 4 रन के साथ। तो शुरुआत इस प्लेयर ने काफ़ी अच्छी करी, 27 रन ठोक दिए बॉर्ड पर और मुझे जो टारगेट मिला 28 रन का मिला है। अब हम यहाँ पर देखेंगे इस बॉल पर अभी 6 की 6 बॉल हमारे पास बची हुई है। तो यहाँ पे ना 7 की बॉल को ना, जैसे कि जब यहाँ पे आपके बिल्कुल यहाँ पर सर्कल बना के देना तो आपने फ्रंट फुट पर शॉट लेनी है, नहीं तो आप लेफ्ट हैंड साइड शॉट ले सकते हो अगर लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, नहीं तो राइट हैंड बैट्समैन अगर आपके पास है तो राइट हैंड साइड शॉट लेना, और नहीं तो फ्रंट फुट पर खेल देना जब भी गोल सर्कल आपके लेग पर हो, जैसे कि यहाँ पर ये, क्योंकि इसके पास टर्न करवाने का मौका ही नहीं है। जब ये गोल सर्कल बीच में रखे ना, उसका भी तरीका बताऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। यहाँ पे अब जेम्स दी है, जेम्स की बॉल रुक के खेला करो, पहले टिप्पा पड़ने दो, पहले यहाँ पे टिप्पा पड़ा आप खेलो, उसी टाइम पे बैट घुमा दो। या तो जेम्स की ना दो बॉल होती है, या तो टॉप स्पिन होती है या लेग स्पिन होती है, तो ना लेग स्पिन और टॉप स्पिन के लिए बॉल को आने दो फिर खेलो। जब भी ये 7 गोल सर्कल बीच में रखे तो इसकी बॉल 101% टर्न होगी, तो पहले ही आगे चले जाना खेलने के लिए, जैसे कि मैं यहाँ पर नहीं गया था, मेरी गलती होगी। अब ये देखो मैं दोबारा देखे जाता हूँ 7, अब मैं आगे थोड़ा आगे चला गया, अब आ जा भाई 1 और 6। इसलिए जब 7 की बॉल आपकी लेग पे गोल सर्कल हो ना तो सीधा खेल देना, नहीं तो लेफ्ट हैंड साइड खेल देना, राइट हैंड बैट्समैन राइट हैंड साइड खेल देना, फ्रंट फुट पे खेल देना। अब ये देखो, अब जेम्स की दो बॉल थी टॉप स्पिन और एक लेग स्पिन, अब इसने लास्ट की बॉल लेग स्पिन पे डाली, उस पर भी शॉट खा लिया और मैं मैच जीत गया।